अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको घर में कैल्शियम ब्लॉक बनाने का तरीका बताएंगे कि आप अपने पिंड के लिए कैसे कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं। चले स्टार के सबसे पहले लेंगे गाची 100 ग्राम, शहद 100 ग्राम, लकड़ी का कोयला 50 ग्राम, समुद्री जाग 100 ग्राम, काला नमक 30 ग्राम, अंडे के छिलके 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 250 ग्राम और प्लास्टिको पैरस 1.25 किलो। चले मिक्स करते हैं इन सबको। सबसे पहले डालेंगे गाची, समुद्री जाग, यह आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिलेगी, लकड़ी का कोयला। इन सब को अच्छी तरीके से पीस लेना है और ये छिलके अंडे के या आप किसी भी बर्गर वाली दुकान से या शॉर्मे वाली दुकान से आपको इजीली मिल जाएंगे। ये मुल्तानी मिट्टी, ये भी आपको पंसार स्टोर से मिलेगी और उन्हीं से कहना है कि ग्राइंड कर दे, वो आपको मिक्स छोटे छोटे ग्राइंड कर देंगे। यहाँ रखे सारा मटेरियल एकदम ही डालना है। ये नमक, काला नमक, ये जो शहद है इसे आप सबसे पहले गर्म पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, फिर भी अपने मटेरियल के अंदर ऐड करना है क्योंकि ना शहद अच्छी तरह से फिर मिक्स नहीं होता अगर वैसे हम डालेंगे तो। ये हल्दी है 50 ग्राम, वो आपको शुरू में दिखाना मैार नहीं रहा तो ये भी आप ले लेना। ये पैरस है, प्लास्टिको पैरस, अब हम डालेंगे पानी। पानी आपने उस पहले थोड़ा पानी डाल के देख लेना है कि आपका मटेरियल मिक्स होता है कि नहीं होता, लिहाजा मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बीच में कोई लम्स ना बचे। आप अच्छी तरह से मिक्स करें, जिस तरह आटा गूंथते इसी तरह आप इसे मिक्स करें अच्छे तरीके से। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो सके, बीच में कोई लम्स यानी कि गुठलियाँ वगैरह ना बीच में रहे। ये आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से ये मिक्स होना चाहिए। ये देखिए कितनी क्लियरली आपने इस तरह मिक्स करना है और आपने इसे किसी भी शेप में दे सकते हैं। हमने ग्लास लिए है, या आप किसी भी रेस्टोरेंट से जाए उसे कहे कि यार ओल्ड हमें ग्लास दे दो, नहीं तो किसी भी शॉप से आप ले लें। किसी भी किस्म के आप शेप दे सकते हैं, कटोरी में डाल के शेप दे सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप डालें उसी का ये शेप इख्तियार कर लेता है। आप इसी तरह ये फिल करें। ये हमने सुखाने के लिए धूप में रख दी है और अब हम शाम को इसे खोल देंगे क्योंकि पैरस होता है वो जल्दी ही सूख जाता है। ये सूख गया और हम इसे खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छा माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।